रणधीर वर्मा चौक पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में शिक्षक संघ ने दिया धरना। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि शिक्षा एवं शिक्षक हित को लेकर 14 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। हम शिक्षक हैं, शिक्षक ही रहने दिया जाए, विद्यालय को प्रयोगशाला न बनाया जाए, इसी मांग को लेकर आज रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना देकर शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का दबाव शिक्षक पर बनाया जाता है। हम सभी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इसके अंदर महीना दर महीना वेतन स्थगित करने का आदेश दिया जाता है, जबकि अधिकांश विद्यालयों में टैब और डिवाइस खराब है। इसके वजह से व्यक्तिगत मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी विभागीय कार्यों में किया जाता है, जिसे अविलंब हटाया जाए। जिले में लगभग 25 वर्षों से प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण प्रधानाध्यापक एवं स्नातक प्रशिक्षित प्रोन्नति से भरे जाने वाले सारे पद रिक्त हैं। इसे अविलंब भरा जाए। अत्यधिक रिपोर्टिंग के दबाव के कारण शिक्षक मानसिक तनाव जिले में लगभग 25 वर्षों से प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण प्रधानाध्यापक एवं स्नातक प्रशिक्षित प्रोन्नति से भरे जाने वाले सारे पद रिक्त हैं। इसे अविलंब भरा जाए। अत्यधिक रिपोर्टिंग के दबाव के कारण शिक्षक मानसिक तनाव में आकर गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस दबाव से हटाया जाए। हम सभी शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाए, ना कि अन्य काम देकर शिक्षा से वंचित ना किया जाए। इससे बच्चे पर प्रभाव पड़ते हैं और उनका असर हम सभी शिक्षक पर पड़ते हैं, जिससे बदनामी होती है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि हम सभी प्राथमिक शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने का ही काम दिया जाए और अन्य काम के लिए ना लगाया जाए। इन्हीं तमाम 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से मांग करते हैं। हमारी 14 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि विभाग हम लोगों को इतना बाध्य कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक ही रहने दिया जाए। विद्यालय को प्रयोगशाला बनाने की जो क्रियाकलाप चल रहा है उसका हम लोग मुक्ति चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं, मेरा मुख्य पेशा है बच्चों को पढ़ाना, हमें केवल पढ़ाने के लिए। क्योंकि जब परिणाम खराब होता है तो हम समाज के नज़र में भी गिरते हैं और विभाग के नज़र में भी गिरते हैं। तो हमें अन्य सभी कार्यों से मुक्त करते हुए केवल पढ़ाने का काम करने दिया जाए। हम लोग पढ़ाने के लिए ही पढ़ाने के लिए मांग के लिए उतरे हुए सड़क पर। आप जो धरना पर बैठेंगे किन-किन जिलों के हैं? ये पूरे धनबाद जिले के ही केवल है, लेकिन 17 शैक्षिक अंचल से यानी सारे प्रखंड के शिक्षक। कितने स्कूल के जो है शिक्षक हैं? टोटल कितने स्कूल के शिक्षक हैं? टोटल लगभग 2000 स्कूल के शिक्षक।